कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। निर्मल भावना से, पवित्र भावना से रोते रोते जैसे गोपी हैं हा कृष्ण हा राधे बोल के रोते हैं, ऐसे ही रोना रोना चाहिए तो तब तो कृष्ण भगवत भक्ति देगा, वो दिखाई भी देगा। से दिखाई तो दिया ही, लेकिन ये सब के बताना संभव नहीं है, बोलना भी संभव नहीं, कारण यही है ये छुपे रखना जरूरी है। जिनको भगवान दर्शन करेगा कोई भी हंसेगा, कोई भी रोतेगा, कोई भी नाचेगा, इतना भाव होते हैं। दोस्तों वृंदावन की लगातार मैं आप सबको यात्रा करा रहा हूँ, त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। मुझे तो पुण्य मिल रहा है, मेरी कोशिश है कि आप लोग भी महान संतों के दर्शन करिए, आप सभी का भी जीवन धन्य बने। आज एक बार फिर मैं बंसी भट्ट आ गया हूँ, वही बंसी भट्ट जहाँ कभी कन्हैया ने बंसी बजाई थी, जहाँ पर गैयों को चराया था, गौ माता की सेवा की थी। बंसी भट्ट की छटा मैं कई बार लगातार आप सबको दिखा चुका हूँ, एकदम प्राकृतिक छटा है। और यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मानो द्वापर युग आ गया है, जैसे लगता है कि वही कन्हैया का समय आ गया और कान्हा आने वाले हैं बंसी बजाते हुए, कहीं गैया को चराते हुए आप सबको दिख जाएंगे और निश्चल भाव से आएंगे। तो मेरा दावा है कि ठाकुर जी के दर्शन होंगे। आज भी यहाँ के महान संतों का दावा है कि यहाँ पर रास होता है, यहाँ पर राधा रानी रास ठाकुर जी के साथ रचाती हैं। तो आपका मन का भाव ठीक होना चाहिए, आपको वैसा ही दर्शन होगा। अब मैं यहाँ की छटा के बारे में दर्शन कराऊंगा ही कराऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि जैसे संदीपन के आश्रम में, जैसे विश्वामित्र के आश्रम में, जैसे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आपको वातावरण मिलता था, वैसा ही वातावरण यहाँ पर बंसी भट्ट में आप सबको मिलेगा। आप सामने देख रहे होंगे महाराज जी बैठे हुए हैं और महाराज जी के पास जो है भक्त जन श्रद्धालु जन बड़े श्रद्धा और भाव से बैठ रहे हैं। ये इसलिए आपको दर्शन हो रहा है कि जहाँ पर बड़े बड़े महलों में, जहाँ पर बड़े बड़े आश्रम में एसी लगा है, पंखा कूलर लगा हुआ है, वहाँ पर ऐसा दृश्य देखना वो मनोहारी है, वहाँ पर ऐसा अद्भुत दृश्य देखना वो मन को छू जाता है, दिल को छू जाता है कि ऐसा भी ऐसे भी वातावरण में आज भक्ति हो रही है। तो आइए महाराज जी के पहले भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा और फिर बातचीत कराऊंगा कि ऐसे सुंदर वातावरण में श्रद्धालुओं के साथ, भक्तों के साथ जो है कैसे रिश्ता और नाता जुड़े हुए हैं, अपने भाव का, अपनी भक्ति का देने के लिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि महाराज जी हारमोनियम के साथ है ही हैं, साथ में यहाँ पर तुलसी मैया हैं, तमाम जगहों पर संतों को देखेंगे तो बैठे हैं लेकिन तुलसी माता साथ में नहीं होंगी। लेकिन जिस तुलसी के नाते, जिस वृंदा के नाते वृंदावन पड़ा, उसी वृंदा के साथ जो है महाराज जी आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। महाराज जी से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और धर्म अध्यात्म की बात होगी होगी और साथ ही इस प्राकृतिक छटा की भी बात होगी। जिस माटी में कन्हैया लेटे हैं तो उसमें बैठ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये माटी जो है ये रज है और ये हम सब के लिए अमृत के समान है। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे जी। हम ये बंसी भट्ट में आके 10-12 साल पहले से भजन शुरू करा और भगवत भक्ति और प्रेम के लिए और राधा कृष्ण दर्शन के लिए रोते रोते दिन रात कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण बोल के हमारा गुरु आदेश मानते हैं। और यही बात है, ये सबसे सारे वृंदावन से उच्च भूमि है, कारण यही है यहाँ पे स्वयं कृष्ण बांसी बजा के राधा और गोपीगण के खींच के लेके यहाँ पे आत्मा साथ आत्मा जो प्रेम है से रास लीला यहाँ पे करा आज भी होते हैं और भी अधूर भविष्य में भी होगा ही। लेकिन जिनको देखने वाला वो देखेगा, कौन देखने वाला, जिनको अंदर में काम क्रोध लोम मोह मदमात्सर्य रूप राक्षस भगा के निर्मल भावना से, पवित्र भावना से रोते रोते जैसे गोपी हैं हा कृष्ण हा राधे बोल के रोते हैं, ऐसे ही रोना रोना चाहिए तो तब तो कृष्ण भगवत भक्ति देगा, वो दिखाई भी देगा जी। तो ऐसा भाव 10-11 साल में आपके साथ महाराज जी कभी आया क्या? बिल्कुल जी, ठाकुर जी हमारा साथ प्रेम भाव से दिखाई तो दिया ही, लेकिन
ये सबके बताना संभव नहीं है, बोलना भी संभव नहीं है। कारण यही है, ये छुपे रखना जरूरी है। तो जिनको पास ज़्यादा सोने चांदी करोड़ करोड़ रुपया वो सबका बताते हैं? बिल्कुल नहीं बताए। तो वो रक्षा के लिए, वो रक्षा के लिए वो किसी के नहीं बोलेगा। और हम भी, हमारी धर्म, हमारी भजन, हमारी पूजन, भगवत भक्ति, जिनको हमारी साथ खोद हो जाते हैं, मिलावट हो जाते हैं, प्रेम से लीन हो जाते हैं, उनको क्या बताएगा? किसी की नहीं बताएगा बिल्कुल। तो उसे तो कोई महाराज जी नहीं चुरा सकता, क्योंकि आपकी भक्ति, लेकिन है, आपका भाव, लेकिन है। लेकिन भाव नष्ट हो जाते हैं जी, भाव नष्ट हो जाते हैं। सारे लोग के बताएगा ना, भाव नष्ट हो जाते हैं। जैसे सारे संपद सबके बोलेगा तो वो चोरा होना संभव है, ठीक ठीक ऐसे ही है। और वो उससे और छुपे रखना जरूरी है। जिनको भगवान दर्शन करेगा, कोई भी हंसेगा, कोई भी रोतेगा, कोई भी नाचेगा, इतना भाव होते हैं। लेकिन वो जिनको जानकारी जी वो जानेगा जी इनको पास क्या क्षमता है, कितना वो है क्या। एक्चुअली आपने 11 साल 12 साल की कठिन साधना यहाँ की है, बाकी और में और हम लोग मूर्ख जैसे लोग हैं, एक साल डेढ़ साल में यूट्यूब पे आ जाते और बोलते कि बता दो, तो आप कैसे बताओगे? बताना संभव नहीं है जी, जी। लेकिन पानी में बर्फ भी है। हाँ। पानी ज्यादा ठंडा करो तो बर्फ हो जाता है जी। और पानी ज्यादा गर्मी करो उष्ण हो जाता है जी, जी। हैं? लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो कैसे बताएगा जो पानी में बर्फ है? यस, वैसे ही है। लेकिन आपका पास हम बोलेगा तो ये भाव लेना संभव नहीं है। तो भाव से पूरा लीन होना चाहिए, भगवत भक्ति से पूरा लीन होना चाहिए। सबका संसार छोड़ के, वासना छोड़ के, तो हमारा ये जो आँख है, आपका जो आँख है, ये दिव्य आँख नहीं है जी। लेकिन अंदर से दिव्य आँख खोलना चाहिए, दिव्य आँख है, दिव्य आँख अंदर से खोलेगा एक बार तो देखना संभव है। हम मूर्ख जैसे लोग क्या करते हैं कि आंखों से देख लेते, सोचते सब कुछ दिख गया ना, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जब तक दिव्य आँख नहीं, दिव्य आँख नहीं खोलेगा तब तक वो देखना संभव नहीं है। और बोलने की भी फायदा नहीं है जी, जी, जी। तो हमारे जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं, कमेंट्स करते भी हैं और बोलते भगवान की भक्ति नहीं मिल रही, हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि उनकी दिव्य आंखें नहीं खुली हैं। लेकिन कुछ टाइम यदि आपका कोई अच्छा दिव्य संत पास रुक के भजन शुरू कर दो, वो जैसे तरीका बोलेगा तो वो तो करना पड़े जी। तो अपने आप समझ जाएगा, अपने आप समझ, हाँ अपने आप समझ जाएगा जी। जब तक उनको पास रुक के और उनको जो बोलेगा वो जो मंत्र देगा से मंत्रों से चलना चाहिए जी, मंत्रों के अंतर हाँ अनुसार चलना पड़े और मंत्र से अनुसार चल करना पड़े, तो धीरे 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 गुरु जी कैसे है उसे समझ जाएगा जी। दूर से समझना संभव नहीं है, आचरणों का आके समझना संभव नहीं है। नहीं। कुछ दिन रहना पड़े, वो भाव से चलना पड़े, धीरे 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 अपने आप समझ जाएगा जी गुरु जी पास में कितना क्षमता है, क्या है क्या है नहीं जी। जी जी, वो 11 साल वाला और 1 साल वाला कहाँ पर अभी है ना, आपकी कठिन साधना और वो है। महाराज जी इतने लता पता और प्राकृतिक छटा दिख रहे हैं, चारों तरफ है, सब घनघोर वन है, तो ऐसे में कभी ऐसा लगा कि राधा रानी का रास हो रहा है यहाँ पे ना? सब लता पता में शंख श्री कृष्ण है जी। देखना सबके संभव नहीं है जी। एक एक छिद्रों में एक एक श्री कृष्ण राधा कृष्ण विराज करते हैं, अच्छा, छिद्र में, ऐसे छिद्रों में जी। से पूरा जी। तो इंग्लिश से एक बात है, वो गॉड द वर्ड देयर हेयर एंड एवरीवेयर, भगवान श्री कृष्ण सामने पीछे पास में और एवरीवेयर, सब जगह, सब जगह में व्याप्त है। तो ये सत्य बात है जी। ये हमारी धर्म में ब्रह्म अस्मि, सब सबका ब्रह्म देखो, सबका ईश्वर देखो, सबको तो धीरे 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 हृदय में ईश्वर अपने आप, अपने आप आता है। हाँ, और वो प्रहलाद वाली, तो प्रहलाद वाली बात तो है ही है, उसने बोला तेरा हिरण्यकश्यप ने कहा है, इस खंबे में है क्या? बोले हाँ इस खंबे में भी है, और मारा तलवार तो फिर हाँ, इसे लगी प्रहलाद जैसे बोला पुराण में भागवत में, वो सत्य बात है, लेकिन खंबा में भी है, जहाँ पे बोलो तहाँ पे है, सीना फाड़ दिया हाँ, तो फाड़ दिया तो स्वयं निशिंह अवतार होके प्रकाश हुआ। इसे लगी भक्ति इतना भाव से
इतना जबरदस्ती करना चाहिए। जैसे पैसा कमाने वाला लोग जबरदस्ती पैसा कमाते हैं, दिन रात परेशानी करते हैं, इतना भी कर लेता है कि चल जाए जीवन, लेकिन उसके बावजूद कमाता रहता है, कमाता रहता है। भक्ति वैसा नहीं कमाएगा, भक्ति दो मिनट किया नहीं भगवान आगे प्रकट होगा, दर्शन कर दे। कैसे होगा? भक्ति के लिए पूरा पागल, जैसे मीराबाई पागल हुआ, प्रहलाद ध्रुवो ये सब का पागल हुआ। आज आज तो वृंदावन में बहुत पागल बाबा भी है, पागल बाबा कैसे भगवान का जी पूरी तरह पागल, पूरी तरह से पागल होना चाहिए, तब तक पागल नहीं होगे तो तय देखिए। मीराबाई की ऐसी भक्ति की जहर भी जो है, देखो मीराबाई राजघर राज गद्दा राज खाना राजपति सब छोड़ के वृंदावन में पेड़ पौधा में बैठ के दिन रात रोते रोते कृष्ण कन्हैया इतना सुंदर गाना रचना करके और खोद करके गया, जाके जाके भगवान श्री कृष्ण साथ लीन हो गया। तो इतना होना चाहिए तो भगवान मिलेगा, इतना सहज बात नहीं है। तो दो दिन का कीर्तन भर का भजन करके दो दिन जप करके कोई हमारे कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो बैंक के अकाउंट जैसा है कि धीरे धीरे पैसा डालते तो अकाउंट बढ़ जाता है, और पता चला उसी के साथ निकालना शुरू कर दे तो कहाँ भरेगा, और फिर हम सोचेंगे क्यों आए। तो यानी बैंक अकाउंट को भरना चाहिए, भक्ति भक्ति बैंक अकाउंट भरना चाहिए। भक्ति भक्ति तो साथ में जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा, एक सुई भी साथ में नहीं जाएगा, सुई भी नहीं जाएगा बिल्कुल। और भी कर लो अकेन, कितना भी कर लो, करोड़ करोड़ रुपया, हजारों करोड़ करो और लाखों करोड़ करो, साथ में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन केवल भक्ति प्रेम और नाम, नाम नाम साथ में जाएगा। और इस लगी भगवत भक्ति साथ जुड़े जाओ, प्रेम साथ जुड़े जाओ, एकांत बैठ के भजन करने के लिए कोशिश करो, तो आत्मा आपके आप कल्याण हो सकता है, और होगा ही होगा ही, और जगत में कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे जी। साथियों महाराज जी ने पूरा सार बता दिया, मैं लगातार बहुत दिनों से आप सबको वीडियो तो दिखा रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो का जो सार निचोड़ आज आपको यहाँ प्राकृतिक छटा में मिला। और महाराज जी का ये कहना है कि भाव से अगर भक्ति आप करते हो तो आपको निश्चित ठाकुर जी के दर्शन होंगे, राधा मैया के दर्शन होंगे। आपका भाव होना चाहिए, और वो भी कठिन साधना से, यानी भाव के सागर में इतने लीन हो जाएं, भाव के सागर में इतना आप विलीन हो जाएं कि आपको खुद से खुद का पता ना हो, तब आपको ठाकुर जी के दर्शन होंगे, तब आपको राधा मैया के दर्शन होंगे, आपको यहाँ की प्राकृतिक छटा और यहाँ के श्रद्धालुओं के भक्ति का भाव का वो दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप ऐसा दृश्य देखेंगे ये कभी आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो एक बार इन श्रद्धालुओं को देखिए, भक्तों को देखिए, और याद करिए अपना द्वापर युग, कि कैसे द्वापर युग में ऐसे ऋषि मुनियों के पास बैठ कर सच्ची साधना से, सच्ची भक्ति से आशीर्वाद लेते थे, भजन कीर्तन करते थे। तो यानी वृंदावन में अभी भी द्वापर युग जैसा लगेगा, आप भाव से आइए, श्रद्धा से आइए, और आप देखिए तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। इस यात्रा में लगातार ऐसे ही महान संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता रहूंगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
रंगो जयो रे सब मा मका पांडव शैव किम कुरुवतो संजय धर्म क्षेत्र बनाओ। ये शरीर दिया, ये पशु शरीर ना दिया, कीड़ा वर्ग का शरीर ना दिया, मछली शरीर ना दिया, जलचर शरीर ना दिया, ये इंसान मनुष्य बना के भगवान बुद्धि लगा के ज्ञान सब कुछ दे के दिया, और भी पशु बुद्धि लगाते हैं। हमारा शास्त्रीय गीता में पहले धर्म क्षेत्र बनाने के बोला, पहले शब्द पहले वार्ड धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जो माम का पांडव किम करो सर हमारा मेरा सब मेरा 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 घर है, मेरा जमीन है, मेरा पैसा है, ये जो मेरा का शब्द बोल के बोल के बोल के बोल के बोल के मैं से मोर मोर से मारा माया में फंसा जाता है, माया में फंसा जाता है। माया से उच्च होना के लिए भागवत में पहले श्लोक में बोला जन्मादश जतन नितर चर्तेश्व विज्ञ शरट तेन ब्रह्मरिदिजादि कवयमुज्जन्ति यत्सुरय तेजवारि मृदम जता विनिमय यत्रति स्वर्ग मृषा धाम्ना तेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम मतलब सत्य हके सच्चा रास्ता में चलने के लिए बोला। सत्यम परम मने श्री कृष्ण चरण कमल, धीमहि मतलब ध्यान करो, स्मरण करो, वंदना करो, कीर्तन करो। जय हो हरि बोल। यदि सच्चा ना हो भजन करके फायदा नहीं। इसलिए सच्चा होना के लिए भागवत पहले श्लोक में तीन शब्द जे सत्यम परम धीमहि, सत्य रास्ता में चलो, धीमहि मतलब श्री कृष्ण चरण ध्यान करो, स्मरण करो, वंदना करो, कीर्तन करो, सेवा करो और जीवन के सार्थक करो। जीवन के सार्थक करने के लिए तो मनुष्य जन्म दिया, पैदा होने के समय में स्वयं श्री कृष्ण एक बार तो देखा दिया, देखा दे के बोला तुम पैदा होके क्या करेगा, हाथ जोड़ के बोला, सबको बोला जे हम पैदा होके तुम्हारी तुम्हारी भजन करेगा, तुम्हारी पूजन करेगा, तुम्हारी नाम लेगा। अरे ये यहाँ पे आके भूल जाके माया में फंस गए। माया से उद्धार होना के लिए केवल जपो यज्ञ, नाम यज्ञ करो, नाम नाम करो, नाम से जीवन सार्थक होगा और भगवत भक्ति मिलेगा। भगवत भक्ति मिलने के लिए हरिनाम करो, केवल हरिनाम ही केवलम बलम, हरिनाम ही हरिनाम ही हरिनाम ही केवलम बलम, करो नस्तव नस्तव गतिरन्नथा। केवल हरिनाम नाम आधारा करो, नाम से जुड़े जाओ, नाम इतना ही प्रेम जगाएगा। कारण क्या, नाम से इतना प्रेम कैसे होगा, सबको शास्त्र बोलते हैं, सबको साधु भी बोलते हैं, नाम से प्रेम कैसे बनेगा, नाम में तो प्रेम है, सबका प्रेम, सबका क्षमता शक्ति सबको भगवान श्री कृष्ण पास में, अनंत को ब्रह्मांड मालिक, अनंत शक्ति अधिकारी है, उनको उनको पास में सब विद्या, सबका क्षमता उनको पास में, तो उनको के भजना करो, उनको को नाम लो, तो वो अपने आप धीरे 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 सबको छोड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। इतना ही उनको नाम लो भाव से, प्रेम से, भक्ति से, तो इतना ही उनको धीरे धीरे छोड़ के भक्तों के बड़ा कराएगा, भक्त के आगे बढ़ाएगा। भक्त ना है तो भगवान कैसे पहचान होगा, भक्त ना तो भगवान कैसे पहचान होगा। इसलिए
भक्त के भड़काने के लिए भगवान तैयार है, लेकिन हम तो तैयार नहीं है। हम चाहते हैं विषय धन संपद चाहते हैं, इसलिए कि वो दूर होते हैं। जब तक पूरा वासना छोड़ के भगवत भक्ति के जुड़े जाओ, प्रेम से जुड़े जाओ, तो भगवान खुशी हो के सब छोड़ देगा और भक्तों के प्रेम बना के जगत के कल्याण कर देगा। जय जय श्री राधे, निताई गौर ब्रह्मानंद।